हे गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वैसे आज के साल वीडियो पे बात करने वाले हैं क्यू एन ए वीडियो के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक क्यू एन ए वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है और उस वीडियो पे तुम लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाला है। तो तुम लोगों ने भाई कॉमेंट में जाके मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और मैं अभी उन सब के आंसर तुमको देने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो को चालू करते हैं। ओके, तो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हो? देखो भाई, मैं यूट्यूब के अलावा नॉर्मली एडिटिंग सीखता रहता हूँ, लाइक कैसे एडिट करते हैं मोबाइल में, क्योंकि मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो मैं ऐसे ही मोबाइल में देखता रहता हूँ कि कैसे एडिटिंग करते हैं। और उसके अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ। अब देखो भाई, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना भी पड़ रहा है और इसके साथ साथ यूट्यूब एडिटिंग ये सब कुछ मैं करता रहता हूँ। व्हाट और हु इंस्पायर्ड यू टू मेक डीबीडीएम वीडियोस? ओके, तो देखो भाई, मैं पहले पबजी खेलता था और एक टाइम के बाद पबजी बैन हो गया। तो फिर मैंने देखा कि कोई नया गेम है जिसको ट्राई करना चाहिए, तो मुझे पता चला कि एक गेम है डेड बाई डेलाइट मोबाइल, जो कि हॉरर गेम है। तो मुझे इंटरेस्ट आया इसको खेलने के लिए। मैं जब इसको खेलने लग गया था तो मुझे पता चला कि इसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। मैंने बाहर के यूट्यूबर्स को देखे, जैसे कि स्पूकी लूप्स, जो कि लाइक डीबीडी जो पीसी वर्सन आता है ना, वो खेलते थे। तो मैंने उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी डालना चाहिए हिंदी में। तो हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो डीबीडी पीसी वर्सन के क्रिएटर्स हैं, जैसे कि स्पूकी लूप्स, ऑट्स डारवा, इनको देख के मैंने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था और उनको देख के ही मैंने वीडियो डालना चालू किया था। ओके, तो भाई ने तीन क्वेश्चन पूछा है मुझसे। पहला, व्हाट इज योर एज? दूसरा, व्हिच डिवाइस यू यूज? और तीसरा, व्हिच किलर बाय फर्स्ट? ओके, तो मैं 17 साल का हूँ। और दूसरा, मेरा डिवाइस है रेडमी K20 प्रो 6GB वाला वेरिएंट। और तीसरा, मैंने पहला ख़रीदा था क्लाउन को और वो भी 500 सेल्स से। मुझे पता है भाई कि ये सही में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मैं उस टाइम पर मुझे गेम के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था कि किलर्स को फ्री में भी लिया जा सकता है, तो मैंने अपने पैसे लगा दिए थे। फिलहाल अभी भी मैं उसको रिग्रेट करता हूँ। भाई, मैं 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनूँ? मेरा मन नॉन मेडिकल लेने का है, आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी है? ओके, तो देखो, मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ और मैंने आर्ट्स लिया था। और देखो भाई, इन सब चीज़ों को लेकर तुमको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें मेडिकल स्ट्रीम नहीं पढ़ना है, तो तुमको सबसे पहले कोई अलग सा नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करना है, एंड देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, तो भाई ने दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, क्या आप इस चैनल पर कोई और गेम का वीडियो लाएंगे? और दूसरा, क्या आप एनिमे देखते हो? और अगर देखते हो तो आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? ओके, तो देखो भाई, इस चैनल पे मैं मेनली डेड बाई डेलाइट मोबाइल वर्सन का ही गेम प्ले लाता हूँ, लाइक वो साउथ ईस्ट वर्सन हो गया या फिर ग्लोबल वर्सन हो गया, मैं इसी का गेम प्ले लाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे यही गेम ज़्यादा पसंद है। और फ्यूचर में देखेंगे, अगर मुझे कोई अलग गेम खेलना रहेगा, अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई यार इस गेम को खेलो, तो मैं डेफिनेटली उसको भी एक बार ट्राई कर लूँगा। वैसे मैंने काफ़ी सारे एनिमे देखे हैं और मेरा फेवरेट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, लाइक सीरियसली मुझे वो एनिमे बहुत पसंद है। आप कौन से एडिटर यूज़ करते हो? एंड योर थंबनेल इज़ अट्रैक्टिव, कीप इट अप। थैंक यू भाई। वैसे मैं वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ करता हूँ VN एडिटर। सही में ये एडिटर काफ़ी बढ़िया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और मैं थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ PSCC। तो भाई ने तीन क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है कि भाई तुम कैसे जल्दी ऑडिक सेल्स कलेक्ट करते हो? दूसरा, एडिसन शार्ट्स कैसे फार्म करते हो? और तीसरा भाई, तुम्हारे हिसाब से बेटर कौन सा है, ग्लोबल या जापानीज? ओके, तो पहला देखो भाई, ऑडिक सेल्स कलेक्ट करने के लिए पहले तो बिहेवियर वाले वर्सन में एड्स का ऑप्शन रहता था, जिसको तुम भाई एड देख के तुमको मिल जाते थे ऑडिक सेल्स, जो कि अभी हटा दिया इन लोगों ने। तो अभी तो भाई तुमको लाइक प्रेस्टिज करना पड़ता है कैरेक्टर को, और उसके बाद रिवॉर्ड में जो मिलते हैं 10, 20, 30 ऐसा करके मिलता रहता है। और मैं भी इसी तरीके से प्रेस्टिज करने के बाद जो ऐसे रिवॉर्ड में मिलते हैं सेल्स, उसी को कलेक्ट करता हूँ। इस गेम में तो मैं अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा रहा, क्योंकि भाई सेल्स का प्राइस बहुत बढ़ा दिया इन लोगों ने। और शार्ट्स फार्म करने के लिए मैं सिंपल अपना जो गेम लेवल है उसको बढ़ाता रहता हूँ। मैं ज़्यादा गेम्स खेलता हूँ तो मेरे जो लेवल है वो भी बढ़ता रहता है, और रिवॉर्ड में मुझे शार्ट्स मिलते हैं। डेली रिचुअल मैं कंप्लीट करता हूँ जिससे कि मुझे शार्ट्स और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से तुम भी भाई अपने जो शार्ट्स हैं उनको फार्म कर सकते हो। और तीसरा, ग्लोबल बेटर है या जापानीज? तो मुझे नहीं लगता इसका कोई आंसर होने वाला है, लाइक सीरियसली इसमें तो भाई कोई पूछने वाला बात ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जो जापानीज वर्सन है या फिर कह लो साउथ ईस्ट एशिया वर्सन, वो कहीं गुना बेटर है ग्लोबल वर्सन से। और ग्लोबल वर्सन का अभी जो सिचुएशन है ना भाई, क्या बताऊँ यार, बहुत घटिया। तो भाई ने पूछा है कि मेरा ग्राफिक सेटिंग कौन सा है? तो ये देख लो मेरा ग्राफिक सेटिंग, मैं इसी ग्राफिक सेटिंग पे गेम खेलता हूँ। और दूसरा, एक और भाई ने मुझे पूछा था कि यार मेरा कंट्रोल एंड सेंसी क्या है? तो देख लो, ये मेरे कंट्रोल एंड सेंसी है। मैं एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूँ, क्योंकि मुझे वो बेटर लगता है। ऑन करके अगर खेलता रहता हूँ तो यार सही में बहुत प्रॉब्लम होता है। खेलते समय कॉमेंट्री क्यों नहीं करते?
ओके तो देखो भाई, इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरे पास बस एक ही डिवाइस है और मेरे पास कोई दूसरा डिवाइस नहीं है जिस पे मैं अपना ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ सेम टाइम पे। इसी वजह से मैं बाद में वॉइस ओवर कर देता हूँ। अब देखो भाई, प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अगर मैं सेम टाइम वॉइस रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ ना, तो वो रिएक्शन या फिर वो डायलॉग्स मेरे मुँह से निकलते नहीं है, बल्कि उसके जगह पर कुछ और निकल जाता है जो कि भाई मैं वीडियो में कह नहीं सकता। तो इसी वजह से भाई मुझे बाद में वॉइस ओवर करना बेटर लगता है। टूर्नामेंट्स खेलते हो डीवीडी के? नहीं भाई, कैसे खेलूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास कोई प्रॉपर टीम नहीं है, और अगर मेरे पास टीम नहीं है तो भाई ऐसे फालतू में टूर्नामेंट खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। विच इज़ योर फेवरेट किलर? अब देखो भाई, डीवीडी मोबाइल में मेरा फेवरेट किलर है घोस्ट फेस, और मैं इसको लेकर ज़्यादा खेलता हूँ क्योंकि भाई देखो, घोस्ट फेस जिस फ्रेंचाइज से आता है ना, स्क्रीम, उस फ्रेंचाइज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी वजह से मुझे उसको लेकर खेलना पसंद है, और उसका मूड ही भाई सही में बहुत बढ़िया है। वट इज़ योर फेवरेट फूड? अब देखो भाई, मेरा कोई फेवरेट फूड नहीं है। मेरा मम्मी मुझे जो बना के देती है मुझे वही खाना पसंद है। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड यू हैव एंड कैन आई प्ले विथ यू? ओके, अब देखो भाई, तुम जो भी सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, अगर तुमको मेरे साथ खेलना है तो तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और साथ में खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ खेलता रहता हूँ। डू यू थिंक बाबा इज ब्यूटीफुल? ऑब्वियसली, जब मुझे वो बेसमेंट में ऐसे फेस कैम करते वक्त मेरे चेहरे की तरफ घूरता रहता है ना, तभी मुझे पता चल गया था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। भाई ने 6 क्वेश्चन पूछे मेरे से। पहला पूछा है, भाई आपका पूरा नाम क्या है? तो देखो भाई, मेरा पूरा नाम है अनुराग दास, ठीक है। और दूसरा, भाई आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 12 में। तीसरा पूछा है, भाई आपका हॉबी क्या है? तो हॉबी है मेरा गेमिंग, या फिर कह लो मैं ऐसे ड्राइंग करता हूँ, तो यही कह सकते हो, ठीक है। चौथा, भाई आप कितने दिनों से डीवीडी खेल रहे हो? तो मैं करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गया। पांचवा क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि ये मैं किसी को नहीं बताता। और लास्ट वाला पूछा है, भाई आप कब फेस रिवील कर रहे हो? अब देखो भाई, फेस रिवील तो मैं अभी डायरेक्ट नहीं बता रहा कब करूँगा, लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ एक पीसी लेने का। अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर उसके बाद मैं ज़रूर फेस रिवील भी करूँगा, और उसके बाद मैं डीवीडी पीसी वर्सन का भी गेम प्ले इस चैनल पर अपलोड करूँगा। अब देखो, तुम में से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही पूछा था कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, कहाँ से रहता हूँ, ये सब वगैरह। तो मैंने इसका बस एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और उसका ही मैंने आंसर दे दिया। आई थिंक तुम में से ज़्यादातर लोगों का मैंने आंसर दे दिया है। वैसे एक क्वेश्चन को मैंने पिक करना भूल गया था। यहाँ पे एक भाई ने मुझसे पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो देखो भाई, मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल पे, और है आई एम बंगाली। बाय द वे, मुझे लगता है कि इस Q&A वीडियो को यहीं पे एंड करना सही रहेगा। वैसे वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग कहते हो यार डेली वीडियो अपलोड किया करो, लेकिन यार देखो, मेरे से ये हो नहीं पाता है क्योंकि मुझे स्टडी करना होता है, ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद भी कुछ बाकी काम भी मुझे करना रहता है। इसी वजह से मेरा अगर गेम प्ले भी निकल जाता है तो उसके बाद उसको एडिट करने का वक्त नहीं मिलता, और उस दिन मैं बिल्कुल भी लाइक उस वीडियो को नहीं डाल पाता हूँ यूट्यूब पे। अभी ट्राई करता हूँ कि मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालने का ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो सही रहेगा। और अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपना सपोर्ट भी दिखा दिया करो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।